السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत मजलिस में हम इस तफसीर के हिस्से को समाअत करने, कुरान की आयतों को सुनने और समझने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, हम सबको कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला, कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करने वाला और कुरान की हिदायत पर अमल करने वाला बनाए। पिछली जो सूरतुल बकरा की आयतें थीं उन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक और उससे मुतालिक बहुत सारे बयान, इसी तरह से इद्दत और उसके मुतालिक कुछ अहकाम बयान फरमाए हैं। आगे की आयतों में भी इंशाअल्लाह ताला इद्दत ही से मुतालिक कुछ अहकाम बयान होंगे, तलाक से मुतालिक कुछ अहकाम बयान होंगे। अलबत्ता बीच में गोया की एक तरह से जुमले मुतरजा के तौर पे बिल्कुल ही एक अलग मौजू वाली बात आ गई, यानी बात हो रही है तलाक की, बात हो रही है बच्चों को दूध पिलाने से मुतालिक, बात हो रही है इद्दत के मुतालिक। अचानक आयत आती है जिसका मौजू जो मुनसलिक आयतें हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ने फरमाया हाफिदु अला सलावाती व सलातिल वुस्ता व कूमु लिल्लाहि कानितीन कि नमाज की हिफाजत करो, बिलखसूस वुस्ता यानी बेहतरीन नमाज या बीच वाली नमाज की, व कूमु लिल्लाहि कानितीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खामोशी के साथ, खुशू के साथ खड़े हो जाओ। तो ये कुरान मजीद की ताबीर है जिसको देख करके बाज़ मरतबा एक बंदा जो है वो बड़े ताज्जुब में पड़ जाता है कि किसी और मौजू पर बात हो रही होती है और अचानक आप एक बिल्कुल नया मौजू आयतों के बीच में देख लेते हैं और अगर हम उसको किसी हिसाब से जोड़ने की कोशिश करें तो बज़ाहिर हमको कोई दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई रब्त नहीं समझ में आता कि आखिर ये तलाक की बात हो रही थी और तलाक की बात होते होते अचानक ये कौन सी बात शुरू हो गई, अचानक ये किस चीज का जिक्र जो है वो शुरू हो गया। कुरान मजीद जो है ना वो आम जो किताबें होती हैं उन किताबों की तरह नहीं है, यानी कुरान मजीद की तरतीब भी उस कलाम की तरह बहुत यूनिक और मुनफरिद है। और इस तरतीब में हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई तरतीब ही नहीं है और कोई भी मौजू कहीं भी शुरू और कहीं खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है अल्लाह का कलाम है तो कलाम की आयतों में जिस तरह से हुस्न है उसी तरह कलाम की तरतीब में भी हुस्न है, हिकमत है। अल्लाह ताला अगर किसी मौजू के बाद दूसरा मौजू शुरू कर रहा है या किसी मौजू के बीच में कोई एक नया मौजू आ जा रहा है तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हिकमत को जानता है, समझता है, कभी हम उन हिकमतों को समझ पाते हैं कभी नहीं समझ पाते। बहरहाल तो पिछली जो आयतें थी वो तलाक से मुतालिक थी, औरतों के हकूक से मुतालिक थी, बच्चों के हकूक से मुतालिक थी। अचानक इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हाफिदु अलस्सलावात नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पे सलात वुस्ता की हिफाजत का हुक्म दिया। सलात वुस्ता यानी बेहतरीन नमाज, वस्त का असल मतलब होता है दरमियान, तो वुस्ता का मतलब होता है दरमियान वाली नमाज, इसलिए बहुत सारे उलमा इसका तर्जुमा दरमियानी नमाज से करते हैं। लेकिन औसत का एक माना होता है अफजल, तो वुस्ता का मतलब होता है सबसे अफजल तरीन नमाज। वुस्ता जो है वो फुला के वजन पर इसमें तफजील है औसत से, फुला ये इसमें तफजील, इसमें तफजील का जो मुअन्नस का सेगा होता है वो फुला के वजन पे आता है वुस्ता, जैसे वुस्ता या मुस्ला, जैसे हम कहते हैं असमाए हुस्ना, हुस्ना की अहसन से मुअन्नस इसमें तफजील है, इसी तरह वुस्ता जो है वो औसत से इसमें तफजील है। तो बाज लोगों ने वस्त से मुराद लिया है कि बीच वाली नमाज और बाज लोगों ने वस्त से मुराद लिया है बेहतरीन नमाज, और दोनों माना मुराद दिए जा सकते हैं। ज्यादातर उलमा ने इसको वुस्ता से मुराद कहा है कि जो बेहतरीन नमाज है सारी नमाजों में सबसे बेहतरीन नमाज है। वकूमू लिल्लाहि कानितीन और फरमा बरदार होकर के अल्लाह ताला के लिए खड़े हो जाओ। बाज लोगों ने कानित का तर्जमा फरमा बरदार से किया है, बाज लोगों ने कानित का तर्जमा खुशू से किया है कि खुशू के साथ पूरी आजजी और इनकिसारी के साथ खड़े हो जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बात तलाक की चल रही है तो अचानक ये एक नया मौजू क्यों शुरू हो गया, तो उलमा ने उसकी हिकमत बयान करते हुए ये फरमाया कि इस पूरे दरमियान में जब बात चल रही है, जब मौजू जो है वो मुतालिक है लोगों के हकूक से मुतालिक, तो इस दरमियान
बंदों को ये याद दिलाया जा रहा है कि जैसे तुम बंदों के हकूक अदा करते हो, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकूक के मामले में भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकूक के मामले में भी तुम मुतहरिक रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक याद रखो। पिछले आयतों में निकाह, तलाक, रुजात, खुला और रजा से मुतालिक जब बातें आईं तो कहा गया कि ये सब मखलूक के हकूक हैं, मियाँ बीवी के आपस में जो हकूक हैं, दूध पिलाने से मुतालिक बच्चों के जो हकूक हैं। तो जैसे अल्लाह ताला के हकूक का लिहाज करते हो, वैसे ही नमाज की ही भी हिफाजत करो, क्योंकि नमाज ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है। तो जैसे बंदों के हक की हिफाजत करते हो, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी हक की हिफाजत। इस आयत से मुतालिक बाज शान नुजूल भी बयान किए गए हैं। मसलन बहुत मशहूर रिवायत है ज़ैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु की, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद में इसका जिक्र मौजूद है। वो ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं, कुन्ना नतकल्लमु फिस्सलाती युकल्लिमु रजुल साहिबहु व हुवा इला जंबिही फिस्सला, कि हम जो है वो नमाज में बातें किया करते थे। जो इस्लाम के आगाज का दौर था उसमें नमाज में गुफ्तगू करना मना नहीं था। तो फरमा रहे ज़ैद इब्ने अरकम, हम पहले नमाज में बातें किया करते थे, आदमी अपने बगल वाले आदमी से बात कर लिया करता था, यहाँ तक कि अल्लाह तब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, वकूमु लिल्लाहि क़ानितीन फ़अमिरना बिस्सुकूती। अल्लाह ने जब आयत नाज़िल फरमाई, कूमु लिल्लाहि क़ानितीन, खुशू के साथ फरमा बरदार हो के अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, फ़अमिरना बिस्सुकूती वनुहीना अनिल कलामी, तो हमको सुकूत का हुक्म दिया गया कि हम खामोश रहें और हमको कलाम से रोक दिया गया। एक रिवायत में, इन्ना कुन्ना नतकल्लमु फिस्सलाति अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकल्लिमु अहदुना साहिबहु बिहाजतिहि, कि हम नमाज में बातें कर लिया करते थे अल्लाह के नबी के जमाने में। एक आदमी अपनी कोई जरूरत की बात दूसरे आदमी से कह देता था, हत्ता नज़लत हाफिज़ु अलस्सलवात फ़अमिरना बिस्सुकूत, यहाँ तक कि हाफिज़ु अलस्सलवात ये आयत नाजिल हुई और हमको खामोश रहने का हुक्म दिया गया। तो इन रिवायतों से समझ में आता है कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। और लेकिन इसके बारे में एक इश्काल भी मौजूद है। इश्काल ये है कि ये सारी जो हदीसें हैं, ये सारी की सारी हदीसें मक्का से मुतालिक हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नमाज में खामोश रहने का हुक्म नाजिल हुआ वो मक्का में नाजिल हुआ। जबकि ये जो रिवायतें हैं, ये जो आयत है सूरह बकरा की, सूरह बकरा के बारे में तकरीबन मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरह बकरा पूरी की पूरी मदीना में नाजिल हुई है। तो मुमकिन है कि मदीना में आने तक के मुसलमानों को इजाज़त रही हो नमाज में गुफ्तगू करने की, और मदीना में आकर के ये बात जो है वो मना कर दिया गया हो। या हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ मक्की सूरतों में कुछ आयतें मदनी रहती हैं और कुछ आयतें मक्की रहती हैं, या कभी कभी हो सकता है कि सहाबी को आयत के समझने में इश्काल हो गया हो। तो बहरहाल मैं उसूली तौर पे एक बात मैंने ये बयान फरमा दी कि बयान कर दी मैंने कि बाज रिवायतों में इस तरह की बात आई है कि ये आयतें नाजिल हुई और उसके बाद नमाज में कलाम की तहरीम कर दी गई कि बंदा नमाज में बात नहीं कर सकता है। और ये भी हो सकता है, बल्कि बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ये बात भी बयान की कि नमाज में गुफ्तगू करने की ममानियत मक्का ही में नाजिल हो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी हुरमत का इल्म नहीं था, तो वो नमाज में गुफ्तगू कर लिया करते थे, तो बाद में बाकायदा कुरान की आयतें नाजिल करके उनको मना किया गया। और ये जो मुफस्सिरीन ने ये जो तावील की है, ये तावील ज्यादा समझ में आती है। यानी मसला ये है कि आयतें मदीना में नाजिल हुई जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज में खामोश रहने का जो हुक्म नाजिल हुआ वो मक्का ही में नाजिल हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आयतें मदीना में नाजिल हुई तो हुक्म मक्का में कैसे नाजिल हुआ। तो उलमा ने इसकी तावील ये की है कि आयत यानी नमाज में खामोश रहने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ही में दे दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि नमाज में गुफ्तगू नहीं करना है, ममानियत है, मदीना में आने के बावजूद भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनको दोबारा से रुकने के लिए आयतें नाजिल हुई। बहरहाल ये जो है वो ये आयत के शानी नुजूल में सही बुखारी, क्योंकि ये शानी नुजूल जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, इसलिए हमने से मुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, हाफिज़ु अलस्सलावात, नमाजों की पाबंदी करो,
नमाज की मुहाफजत का मतलब होता है नमाज को ज़ाय होने से बचाना, और कुरान मजीद में ये नमाज की हिफाजत की ताबीर सूरह मोमिनून में भी आई है। अहले ईमान की अलामत ये बताई गई, वल्लदीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, वो ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह से सूरह मआरिज में भी अल्लाह ताला ने अहले ईमान की अलामत बयान फरमाई, वल्लदीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो हिफाजत में सबसे पहली ये बात आती है कि नमाज को उसके औकात पर पढ़ा जाए। नमाज की हिफाजत का मतलब ये है कि नमाज को ज़ाय ना होने दिया जाए, यानी उसके वक्त पर जो उसकी अदायगी का, हर नमाज की अदायगी का एक वक्त है, उस वक्त पर उसको अदा कर दिया जाए। और सारे अमाल में ये अफजल तरीन अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना ये सारे अमाल में सबसे अफजल तरीन अमल। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पूछा गया कि अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालदेन की फरमाबरदारी और इताअत और खिदमत करना, और फिर पूछा तो फरमाया जिहाद करना। तो सारे अमाल में सबसे अफजल अमल है नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। इसलिए नमाज की हिफाजत का मतलब ये है कि उसको ज़ाय होने से बचाया जाए और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए। हमारे यहाँ नमाजी के बारे में तसव्वुर यह है कि आदमी एक वक्त की नमाज पढ़ रहा है, दो वक्त की नमाज पढ़ रहा है, तो भी समझा जाता है कि ये नमाजी है, बल्कि नमाज पढ़ने वाला भी ऐसा खुद को नमाजी समझता है। एक आदमी जो मुस्तकिल फजर नहीं पढ़ता, उसको भी लगता है मैं नमाजी हूँ। नमाज की पाबंदी करने वाला, नमाज की हिफाजत करने वाला वो शख्स है जो पंच वक्त नमाजों की पाबंदी करे। आदमी अगर मुस्तकिल फजर नहीं पढ़ रहा, बाकी नमाजें पढ़ रहा है, तो उसको नमाज की पाबंदी करने वाला करार नहीं दिया जाएगा। तो हाफिज़ु अलफ़लावात, नमाजों की पाबंदी करो। सलावात, सलात का असली माना लुगत में होता है अद्दुआ। सलात का लुगत में माना होता है दुआ, और जो उसका तारीफ है, डेफिनेशन है, वो सबको पता है। कुछ मखसूस अकवाल और अफाल हैं जो तकबीर से शुरू होते हैं, तस्लीम पर ख़त्म होते हैं, और इनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाती है। नमाज की एक डेफिनेशन है अत्ताबुद्दु अज़्ज़ा वजल बेअकवालिन व अफ़ालिन मखसूसा, मखसूस अकवाल और अफाल के ज़रिए से अल्लाह की इबादत करना, जिसकी शुरुआत तकबीर से होती है और जिसका अख्तिताम तस्लीम पर होता है। और पांच नमाजें इनकी हिफाजत करना है, मतलब फजर, जहर, असर, मगरिब और इशा। और हिफाजत का मतलब है कि उसको उसके शरायत के साथ, अरकान के साथ, वाजिबात के साथ और उनके औकात पर अदा करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजों को उनके औकात पर अदा करना भी वाजिब करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया इन सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाजें अहले ईमान पर उनके वक्त पर अदा करना वाजिब है। तो सिर्फ नमाज वाजिब है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जोर का टाइम निकल गया तब आप असर में पढ़ रहे हैं, असर का टाइम निकल गया मगरिब में पढ़ रहे हैं, पूरा दिन आपने नमाज नहीं पढ़ी, शाम को सोने से पहले पढ़ ले रहे हैं, एक दिन नमाज छोड़ दी, अगले दिन उस नमाज के साथ साथ एक नमाज अदा कर ले रहे हैं। नमाज की मुहाफजत करने वाले लोग कौन हैं? जो नमाज को उसका वक्त निकलने से पहले पढ़ लेते हैं, उस तरीके पे पढ़ते हैं जिस तरीके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, और उसके शराए तरकान वाजबात की अदायगी करते हैं। ये सारा सब कुछ नमाज की अदायगी में शामिल है। आदमी वक्त पर नमाज ना पढ़े तो भी वो नमाज की हिफाजत करने वाला नहीं है। आदमी नमाज वक्त पर तो पढ़ रहा है, लेकिन जो नमाज के शरायत हैं, अरकान हैं, वाजिबात हैं, उन पर अमल नहीं कर रहा, नमाज में खुशू नहीं है, ठोड़े मार रहा है और तेजी से नमाज पढ़ ले रहा है, नमाज के अरकान अच्छे से अदा नहीं कर रहा, तो वो भी नमाज की हिफाजत करने वाला नहीं। तो नमाज के अरकान, उसके जो वाजिबात हैं, जो शरायत हैं, उनकी पूरी अदायगी करे, अच्छे से वजू करे, उसका गुस्ल मुनासिब हो, और उसके बाद वो बेहतरीन तरीके पर अल्लाह के नबी के तरीके में नमाज पढ़े, तो वो असल में नमाज पढ़ने वाला है। और अहले और जो उसमें से मर्द हजरात हैं, उनके बारे में खसूसी यह है कि उनको हुक्म दिया गया है कि वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। तो जो आदमी जमात से नमाज ना पढ़े, वो भी असल में नमाज की हिफाजत करने वाला नहीं है। नमाज की हिफाजत करने वाला वो है जो जिस पर जमात वाजिब है, वो जमात के साथ नमाज पढ़े। वस्सलातिल वुस्ता, और बेहतरीन नमाज की हिफाजत करो। बाज़ लोगों ने वस्त का मतलब बताया बीच वाली नमाज, और बाज़ लोगों ने कहा वस्त ये औसत से बना है, जिससे मुराद है बेहतरीन नमाज। अब इसके बारे में बहुत सारे अकवाल अहले इल्म के हैं कि ये कौन सी नमाज यहाँ पर मुराद है। एक कौल ये है कि ये सुबह की नमाज है, मसलन जो है वो अबू उमामा, हजरत अनस, हजरत जाबिर, अबुल आलिया और इकरमा, मुजाहिद, इसी तरह से हजरत इब्ने उमर, इब्ने अब्बास का भी एक कौल है, बल्कि इमाम मालिक और इमाम शाफी का भी एक कौल है कि वो ये कहते हैं कि वस्ता से मुराद फजर की नमाज है, क्योंकि फजर की नमाज की बहुत फजीलतें आई हैं।
और उमूमी बात यही है कि सारी नमाजों में सबसे अफजल नमाज फजर की नमाज है, इसलिए बड़ी तादाद में उलमा का कौल यही है, इबन इमाम मालिक और इमाम शाफी का कौल भी यही है कि वस्ता से मुराद सुबह की नमाज है। और दूसरा कौल जो है वो ये है कि वस्ता से मुराद असर की नमाज है, और ये भी अहले इल्म में एक जमात इसी तरफ गई है कि वस्ता से मुराद असर की नमाज है। अब जब हम अहादीस की तरफ देखते हैं, जब अइमा में इख्तिलाफ होता है तो हम अहादीस की तरफ देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जिन लोगों ने ये कहा है कि सलातुल असर से मुराद सलातुल वस्ता से मुराद सलातुल असर है यानी असर की नमाज है, उनका कौल कवी है क्योंकि उनके पास एक कवी दलील मौजूद है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला से पूछा गया, तिर्मिजी और नसई में रिवायत मौजूद है कि हमने जर बिन हवीश जो एक ताबई हैं वो कुछ कहते हैं कि हमने उबैदा से कहा कि हजरत अली से पूछो कि सलातुल उस्ता से क्या मुराद है। तो जब हजरत अली से पूछा गया कि सलातुल उस्ता से क्या मुराद है तो उन्होंने फरमाया कुन्ना नरा अन्ना सुबह, कि हम हमेशा ये समझते रहे कि सलातुल उस्ता से मुराद फजर की नमाज है। हत्ता समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु यौमल अहसाबी, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शालून अनि सलातिल वुस्ता सलातिल असरी, कि इन मुशरिकीन ने हमको सलातुल वुस्ता से महरूम कर दिया, मशगूल रखा, सलातुल वुस्ता हम नहीं पढ़ पाए, और उससे मुराद क्या थी, सलातुल असरी असर की नमाज थी, सलातुल वुस्ता से मुराद असर की नमाज थी। तो अल्लाह के नबी ने जब अपनी जबान से ये कह दिया कि सलातुल वुस्ता से मुराद असर की नमाज है तो हमने यकीन कर लिया कि सलातुल वुस्ता से फजर की नमाज नहीं मुराद है बल्कि असर की नमाज मुराद है। तो जब उलमा का इख्तिलाफ हो, हत्ता कि सहाबा और ताबईन का इख्तिलाफ हो, तो हम ये देखते हैं कि दोनों में से दलील कवी किसकी है। गर्चे कि इमाम शाफी इमाम मालिक का नाम बहुत बड़ा है, उम्मत पे बहुत बड़ा है, लेकिन जब उनकी बात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकराती है, और इमाम हनीफा का भी नाम बहुत बड़ा है और इमाम हनीफा की बात हदीस के मुआफिक है, तो हम इमाम शाफी की बात और इमाम मालिक की बात छोड़ देते हैं और इमाम अबू हनीफा की बात ले लेते हैं। हम अफराद को हम हदीसों पर पेश करते हैं, हदीसों को अफराद पे नहीं पेश करते हैं। हम अफराद की बुनियाद पर हदीसें रिजेक्ट नहीं करते हैं, हदीस की बुनियाद पर अफराद को रिजेक्ट करते हैं। यही मनहज अहले हदीस है, यही मनहज सलफ है कि जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाए फिर ये नहीं देखा जाता कि मेरे इमाम के कौल की मुआफिक है कि नहीं है, बल्कि ये देखा जाता है कि मेरा इमाम का कौल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुआफिक है कि नहीं है। अगर इमाम का कौल हदीस की मुआफिक है तो लिया जाता है, और इमाम का कौल हदीस की मुआफिक नहीं तो छोड़ दिया जाता है। हम किसी इमाम के दुश्मन नहीं है। देखिए इस मसले में इमाम मालिक और इमाम शाफी का इख्तिलाफ हो गया और इमाम शाफी और इमाम हनीफा का इख्तिलाफ हो गया, तो हम क्योंकि इमाम अबू हनीफा की जो राय है वह हदीस के ज्यादा मुआफिक है तो हम इमाम हनीफा की राय कबूल करते हैं और इमाम मालिक और इमाम शाफी की राय छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए अफराद का नाम अहम नहीं है, हमारे लिए अल्लाह के नबी का नाम अहम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज्यादा अहम है। अगर अल्लाह के नबी की हदीस किसी इमाम के मुआफिक होगी तो हम कबूल करेंगे और इमाम के मुखालिफ होगी तो उसको कबूल करेंगे और इमाम को छोड़ देंगे। हम हदीस की बुनियाद पर इमाम को छोड़ देते हैं, इमाम की बुनियाद पर हदीस नहीं छोड़ते। तो बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है और अहदीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है कि सलातुल वुस्ता से मुराद असर की नमाज है, तो असर की नमाज की खसूसी फजीलतें हदीस के अंदर आई हैं। हर नमाज अपनी जगह पर अहम है, फजर की नमाज अपनी जगह पर अहम है, असर की नमाज अपनी जगह पर अहम है। एक हदीस में मुत्तफक अलैह बल्कि रिवायत है कि जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई गोया कि उसके अहल व माल तबाह हो गए। यानी आप एक आदमी के बारे में तसव्वुर करें जिसका घर गिर जाए, उसकी जायदाद लुट जाए, उसका उसके अहल वयाल हलाक हो जाए, उसके लिए कितनी नुकसान की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है इब्ने उमर से कि मन फातत हु सलातुल असरी कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालु, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई गोया कि उसके अहल और उसका माल हलाक हो गए, जाय हो गए, उससे बिछड़ गए, बर्बाद हो गए। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज और फजर की नमाज की एक साथ तारीफ फरमाई है। मसलन एक हदीस के नकलवी ने फरमाया कि असर सुबह और शाम के फरिश्ते अपनी ड्यूटी चेंज करते रहते हैं, यानी कुछ फरिश्ते दिन के हैं, कुछ फरिश्ते रात के हैं। दिन वाले फरिश्ते असर की नमाज तक मौजूद रहते हैं, असर की नमाज में दिन वाले फरिश्ते आमाल लेकर के जाते हैं और असर वाले फरिश्ते जो दिन वाले फरिश्ते होते हैं वो असर के वक्त आमाल लेकर के बुलंद होते हैं, और उसके बाद रात वाले फरिश्ते वो असर की नमाज के बाद से रात भर ड्यूटी करते हैं। तो फरिश्ते ड्यूटी चेंज करते हैं, हालांकि वो थकते नहीं हैं, फरिश्तों को थकान नहीं होती, वो इंसानों की तरह मखलूक नहीं है, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला का जिक्र के लिए छुट्टी लेते हैं,
उनको फरिश्ते जो दिन में काम करते हैं वो रात में अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जो रात में नाम लिखने आमाल लिखने का काम करते हैं वो दिन में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अल मलाइकातु यताअक्कबूना बिललैली यतअमलाइकातु बिललैल व मलाइकातु बिन्नहार, कि फरिश्ते आगे पीछे जमीन पर आते जाते रहते हैं, कुछ फरिश्ते रात के वक्त के हैं और कुछ फरिश्तों की दिन के वक्त की शिफ्ट होती है। यजतमीउना फी सलातिल फजरी व सलातिल असरी, ये फजर की नमाज में और असर की नमाज में जमा होते हैं। सुम्मा यारुजु इलैही अल्लदीन बातु फीकुम फयसअलुहुम व हुवा अअलम कैफा व फयकूलु कैफा तरकतुम इबादी फयकूलु तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून। तो जो फरिश्ते रात के वक्त के होते हैं वो जब सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने के लिए जाते हैं, नामाल लेकर के जाते हैं, तो अल्लाह ताला पूछता है कई फतरक तुम इबादी, तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ करके आए हो। वयकूलू ना, तो वो कहते हैं तरकना हूँ वहुम युसल्लून व अतैना हूँ वहुम युसल्लून, कि जब हमने उनको छोड़ा तभी भी वो नमाज पढ़ रहे थे, नहीं फजर की नमाज पढ़ रहे थे, वह अतैना हूँ वहुम युसल्लून, और जब हम गए थे उनसे मिलने के लिए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। तो गोया कि दोनों नमाजों के वक्त ये फरिश्ते जमा हो जाते हैं। इसी तरह लगे भी हदीस है मनसल बरदई दखल अल्जन्ना, जो दोनों ठंडी नमाजें पढ़ लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और दोनों ठंडी नमाजों से क्या मुराद है, फजर की नमाज और असर की नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ने वालों से जन्नत का वादा किया है, कि जो दो ठंडी नमाजें, फजर की नमाज को ठंडी नमाज इसलिए कहा गया कि वो सूरज निकलने से और उसके बुलंद होने से पहले की नमाज होती है, तो उसमें ठंडक होती है माहौल के अंदर, मौसम के अंदर। और असर की नमाज को ठंडी नमाज इसलिए कहा क्योंकि जो जोहर के वक्त सूरज की शिद्दत होती है, वो असर होते होते वो शिद्दत कम हो जाती है, उसकी तपिश कम हो जाती है, इसलिए उसको ठंडी नमाज कहा गया। इसी तरह लगे मैंने हदीस के अंदर फरमाया लैयली जन्ना व अहदुन सल्ला कबला तुलू शम्स व कबला गुरूबिहा, यानी अल फज्र वल असर, कि जो शख्स सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरू होने से पहले नमाज पढ़ ले वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो सूरज के तुलू होने से पहले फजर की नमाज और सूरज के गुरूब होने से पहले असर की नमाज। इसी तरह एक बड़ी बहुत बड़ी फजीलत हदीस के अंदर आती है असर की नमाज पढ़ने वालों की। हजरत जरीर फरमाते हैं कुन्ना इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनजरा इलल कमरी लैलतन यानी अल बद्रा, कि हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वो चौदहवीं की चांद का दिन था, यानी रात जो है वो चौदहवीं का चांद निकला हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने उस चौदहवीं के चांद को देखते हुए फरमाया इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल कमारा, कि अनकरीब तुम अल्लाह ताला को वैसे ही देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। ला तुज़ामूना फी रुयतिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने में तुमको किसी तरह की जहमत नहीं पेश आएगी, कोई परेशानी नहीं पेश आएगी। चौदहवीं का जो चांद निकलता है उसमें एक बात तो जहमत ये नहीं होती क्योंकि भीड़ लगा के नहीं देखना पड़ता, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि जो पहला चांद होता है 29वीं का चांद होता है, पहली तारीख का चांद, उसको देखने के लिए बड़ी जहमत करनी पड़ती है, लोग भीड़ लगाते हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा होता, लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। चौदहवीं का चांद दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और देखने में भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वाजह तौर पर चौदहवीं का चांद दिख रहा होता है। तो जैसे दुनिया में इस चांद को देखने में तुमको कोई जहमत और परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला को देखने में भी तुमको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और हमारा यकीदा और ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला अहले ईमान जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। तो फरमाया जैसे इस चांद को देखने में तुमको कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही कयामत के दिन अल्लाह ताला को देखने में भी परेशानी नहीं होगी जब तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तरह से देखो जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार की नेमत का हुसूल तुमको हो, तो क्या करो, दो कोशिश करो, कोशिश करो कि सूरज के तुलू से पहले और सूरज के गुरूब से पहले जो नमाज है उसको ज़ाया मत होने। यानी अगर अल्लाह ताला को देखना चाहते हो तो उस नेमत को हासिल करने के लिए दुनिया में कौन सा अमल तुमको करना है कि दो नमाजों की पाबंदी सख्ती से करो और कोशिश करो कि तुम इसमें कभी भी मगलूब ना हो, कभी भी हारो मत। वो क्या है कि सूरज से तुलू पहले से यानी फजर की नमाज और सूरज के गुरूब से पहले की यानी आसर की नमाज, इन दोनों को जाय मत होने दो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी सब भी हम रब्बी का कबल तुलू शमसी व कबल गुरूब, ये सूरह काफ की आयत है कि अपने रब की तस्बीह व हम्द बयान करो सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले। तो इससे हमको ये पता चला कि जो सूरज के तुलू और गुरूब से पहले हुक्म दिया गया हम्द व तस्बीह बयान करने का, उससे मुराद फज्र और असर की नमाज पढ़ना है, इनका खसूसी हुक्म दिया गया है। यानी आमतौर पर तो नमाज की पाबंदी करना ही है, लेकिन ये नमाज असर और फज्र की नमाज इनकी पाबंदी ज्यादा करना है।
ये इसलिए कहा गया हाफिदु अला सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पे बीच वाली नमाज, यानी इसको कहते हैं जिक्रुल खास बादल आम। बाज मरतबा ऐसा होता है कि एक आम जिक्र, जनरल जिक्र कर दिया जाता है, फिर कोई चीज जनरल की कैटेगरी में कोई खसूसी चीज होती है तो उसको अलग से जिक्र किया जाता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि लैलतुल कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब फरिश्ते, जनरल बात कह दी गई, उसमें सारे फरिश्ते शामिल हो गए, पर क्योंकि फरिश्तों में हजरत जिब्राइल का मकाम बहुत बुलंद है तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल का अलग से जिक्र फरमाया। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह यानी हजरत जिब्राइल नाजिल होते हैं। तो ऐसा अरबी में बहुत कसरत से होता है कि कोई आम बात बयान की जाती है और उस आम में कोई फर्द ऐसा होता है जो बहुत स्पेशल होता है तो उसका अलग से जिक्र कर दिया जाता है। इसके अलावा भी कुरान मजीद में इसकी मिसालें मिलती हैं। कभी कभी खास चीज को पहले बाद में जिक्र किया जाता है, कभी पहले भी जिक्र किया जाता है। जैसे वलकद आतैना का सब अमीन अलमसानी वल कुरान अलअजीम, हमने आपको 7 दोहराने वाली आयतें दी और कुरान अजीम दिया, तो कुरान अजीम में वो 7 आयतें भी शामिल हैं, लेकिन क्योंकि 7 आयतें जो सूरह फातिहा है ये अपनी अजमत के एतबार से बहुत बुलंद है तो इनका अलग से पहले जिक्र कर दिया गया। तो किसी स्पेशल चीज का कभी पहले जिक्र कर दिया जाता है, कभी बाद में जिक्र किया जाता है, उसकी अहमियत की वजह से, उसकी खसूसियत की वजह से। तो जब कहा गया हाफिज़ु अला सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, तो इसमें असर की नमाज शामिल थी, लेकिन इसको इसकी अहमियत की वजह से अलग से जिक्र कर दिया गया। हाफिज इब्न हजर ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि हाफिज इब्न हजर ये लिखते हैं कि जन्नत की नेमतों में, क्योंकि सबसे अफजल नेमत अल्लाह का दीदार है, इसलिए उसको हासिल करने के लिए दुनिया का जो सबसे अफजल काम है वो करने का हुक्म दिया गया। दुनिया का अफजल तरीन काम क्या है? नमाज पढ़ना। और नमाजों में अफजल तरीन नमाज क्या है? नमाजों में अफजल तरीन नमाज फजर और असर की नमाज है। नमाजों की सरदार जो है, यानी इबादात की सरदार नमाज है, और नमाजों की सरदार फजर और असर की नमाज है। तो दुनिया में सबसे अफजल काम फजर और असर की नमाज पढ़ना है। जो ये काम पाबंदी से करेगा उसको जन्नत की सबसे बड़ी नेमत मिलेगी, और वो क्या है? अल्लाह ताला का दीदार है। ये हाफिज़ इब्न हजर ने ये बात लिखी है। वकूमू लिल्लाहि कानितीन, और फरमा बरदार होकर के अल्लाह ताला के लिए खड़े हो जाओ, खुशू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाओ। बाद लोगों ने कौम से मतलब मुराद ये लिया है कि अल्लाह ताला के लिए फरमा बरदार बन जाओ, हर काम में अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करो। और बाद लोगों ने कहा कौम से आमतौर पर फरमा बरदारी मुराद नहीं है बल्कि नमाज का क़याम मुराद है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क़याम करो जब नमाज में, तो खुशू की हालत में रहो। नमाज जो है वो अफजल तरीन इबादत है, और इसकी फजीलत जो है वो बंदे के खुशू के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। जितना नमाज में खुशू होगा इंशाअल्लाह ताला उतना ही आपका सवाब बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका सवाब बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज की है, पर हर नमाज पढ़ने वाले को सवाब यकसा नहीं मिलता है, बल्कि नमाज पढ़ने वाले का सवाब उसके खुशू के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जिसका खुशू ज्यादा होता है उसको नमाज में सवाब ज्यादा मिलता है। खुशू जो है वो नमाज का मगज है, नमाज की असल चीज जो है वो खुशू है। इसलिए अल्लाह ने हदीस में फरमाया इन रजुला लयनसरिफु वमा कुतिब लहु इल्ला अशरु सलातिही वतिसुहा वसमुहा वसबुहा वसदसुहा वखुमसुहा वरुबुहा वसुलुसुहा वनिसुहा, कि आदमी नमाज तो पढ़ता है, लेकिन बाज मरतबा ऐसा होता है कि आदमी नमाज पढ़ करके जा रहा होता है और उसको उसकी नमाज के सिर्फ 10वें हिस्से का सवाब मिलता है, क्योंकि खुशू की कमी होती है। भाई जाहिर सी बात है, नमाज तो सब पढ़ रहे हैं, 4 रकात पूरी नमाज पढ़ी, अगर कोई जहर की नमाज 4 की बजाय 3 पढ़ेगा तो उसको सवाब ही नहीं मिलेगा। 4 रकात पूरी नमाज पढ़ी पर सवाब कितना मिलता है उसको? इल्ला अशरु सलाती, उसको सिर्फ 10% नमाज का सवाब मिला। बास को 10वां हिस्सा मिलता है, बास को और सिर्फ 20% का सवाब मिलता है, बास को 30% सवाब मिलता है, बास को 40% सवाब मिलता है, बास को सिर्फ आधी नमाज का सवाब मिलता है, बास को 1/16 नमाज का सवाब मिलता है, बास को 1/4 नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन मेरी लंबी हदीस है, अबू दाऊद में ये हदीस रिवायत की गई है। तो नमाज की असल होती है खुशू। जितना आपकी नमाज में खुशू होगा उतना ही आपकी नमाज का सवाब मिलेगा। तो नमाज के मामले में बाज मरतबा हम औकात पर नमाज पढ़ने के बारे में तो बहुत कोशिश करते हैं, पर नमाज के खुशू के मुतालिक हम कोशिश नहीं करते। देखिए खुशू के बारे में एक बात याद रखें, खुशू एक ऐसी चीज है जो मेहनत से सीखनी पड़ती है। हमारे यहाँ सोचते हैं खुशू कोई वहाबी किस्म की चीज है, बाज लोग होते हैं जिनको नमाज में खुशू मिल जाता है,
आवाज को नहीं मिलता है, और जिनकी नमाज में खुशू नहीं है उनको ये लगता है कि हमको खुशू नहीं है तो हमारी खुशू कभी बढ़ नहीं सकता है। खुशू एक ऐसी चीज है जो सीखना पड़ता है नमाज के अंदर, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिस पर तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे आप नमाज की दुआएं सीखते हैं, वैसे नमाज का खुशू भी एक सीखने वाली चीज है, उस पर मेहनत करेंगे तो वो बढ़ेगा। भाई खुशू जो है वो नमाज का हुस्न है, खुशू जो है वो नमाज की जीनत है। खुशू दोनों तरह का है, खुशू कल्ब में भी होता है, खुशू अमल में भी होता है। दिल में भी खुशू होता है और अमाल में भी खुशू होता है। दिल का खुशू ये है कि जब भी आप नमाज पढ़ें आपका दिल पूरे तौर पे अल्लाह ताला की तरफ मायल हो, आपका दिल नमाज की हालत में अल्लाह ताला के जिक्र से मुजयन हो, जिक्र की जीनत से आपका दिल सजा हुआ हो, ये तो दिल का खुशू है कि दिल में दुनिया के ख्याल ना आ रहे हो, आपका दिल दुनिया के बारे में ना सोच रहा हो, आप दिल ही दिल में किसी और मौजू पर गुफ्तगू ना कर रहे हो। जैसे हदीस के अंदर आता है ना कि जो दो रकात नमाज पढ़े फलहम युहद्दिस बिहा नफ्सहु फीहा नफ्सहु, और अपने दिल में बात ना करें, मतलब जो पढ़ रहा है उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ हो, ये दुआ पढ़ रहा है या अस्कार पढ़ रहा है, जो उसका अमल है उसका पूरा दिल जो है ना उसका फोकस उसके आमाल और उसके अकवाल पर हो, तो ये खुशू वाली। लेकिन बहुत मरतबा होता है कि आदमी नमाज पढ़ रहा है, सजदे में है, रुकू में है, जिस्म उसका मस्जिद के अंदर होता है, दिल उसका दुकान पर लगा है, दिल उसका बच्चों में लगा है, जो काम छोड़ करके आया उसमें दिल लगा है, या जो जो काम करने वाला है उसमें दिल लगा है, पढ़ तो रहा है आदमी नमाज। यानी हमारे यहाँ ये होता है कि लोग नमाज पढ़ने तो आ जाते हैं जिस्म लेकर के, पर दिल कहीं और छोड़ाते हैं। अहले ईमान की सिफत तो ये बयान की गई है कि उनका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, यानी वो मस्जिद से चली भी जाती है तो उनका दिल नमाज में रहता है, अल्लाह के जिक्र में रहता है, वो तड़पते रहते हैं नमाज के लिए। हमारी हालत ये है, हम नमाज पढ़ने आ जाते हैं, दिल मस्जिद में नहीं लेके आते, दिल अपनी दुकान पर छोड़ाते हैं, दिल क्लास रूम में छोड़ाते हैं, दिल किताब में छोड़ाए हैं, दिल दोस्तों के बीच में छोड़ाए हैं, दिल टीवी पे छोड़ कर आ गए, दिल हमारा मोबाइल में लगा हुआ है, दिल हमारा पैसों पे लगा हुआ है, गल्ले पे लगा हुआ है, बीवी बच्चों में लगा हुआ है, और जिस्म हमारा नमाज में, सर हमारा सजदे में, दिल दुनिया की सैर कर रहा होता है। असल खुशू जो है वो दिल के अंदर होता है, और फिर जब दिल में खुशू होता है तो उसका असर जिस्म पर भी दिखाई देता है कि आदमी बहुत नमाज में गैर जरूरी हरकत नहीं कर रहा। मर्दों का खासतौर पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, पूरी नमाज बाज मरतबा देखने में आता है कि एक आदमी दाढ़ी सीधी किए जा रहे हैं, एक हाथ उसका मुस्तकिल दाढ़ी पर है, कभी यहाँ से सवार रहे हैं, यहाँ पर सवार रहे हैं, कभी टोपी सही कर रहा है, कपड़े सही कर रहा है, दामन सही कर रहा है। ये कहाँ है? ये जो जिस्म में अदम खुशू होता है ना, ये असल में दिल में खुशू नहीं है तो जिस्म में भी खुशू नहीं रहेगा। बाज मरतबा आंखें जो है वो कभी दाएं देख रही हैं, बाएं देख रही हैं, घड़ी पर देख रही हैं, किसी की टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ने में मसरूफ है। आंखों का खुशू, जिस्म का नहीं हिलना, ये दिल के खुशू की अलामत है। जब दिल में ही अल्लाह की याद नहीं होगी तो आंखें यहाँ वहां ढाक रही होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा ने पूछा कि ये जो निगाहें यहाँ वहां चली जाती हैं इनका क्या मसला है, तो अल्लाह ने फरमाया ये शैतान का डाका है जो शैतान बंदे की नमाज पे डालते हैं। बंदे को शैतान पहले नमाज से रोकने की कोशिश करता है, जब वो बंदा नमाज से नहीं रुकता तो शैतान क्या करता है, मैं इसको नमाज से तो नहीं रोक सका, अब मैं कोशिश करूं कि इसके नमाज का सवाब इसको कम से कम मिले, तो वो क्या करता है, निगाहों को यहाँ फेरता है। जब आपकी निगाहें सजदे की जगह पर नहीं होंगी या जहां पर नमाज में होनी चाहिए वहां अगर आपकी निगाहें नहीं है तो क्या होगा, तो दिल भी फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मायल नहीं रहेगा। तो खुशू जो है वो एक नमाज का हुस्न है, नमाज की जीरत, इससे नमाज की वैल्यू बढ़ती है। यानी आप देखिए ना कि खुशू कम होने की वजह से नमाज का सवाब कम हो गया, उसने पढ़ी चार रकात और उसके बगल में एक बंदा था उसने भी चार रकात पढ़ी, पर इसको नमाज का 100% सवाब मिला और इसको 10% ही सवाब मिला। क्यों? नमाज दोनों ने उतनी वक्त में अदा की, पर ये क्या बंदा था, इसका दिल नमाज में नहीं लगा हुआ था। और खुशू एक सीखने की चीज होती है, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। मसलन अगर जमात से नमाज पढ़ना है ना और आप घड़ी देख करके बैठे हुए हैं कि अभी 5 मिनट मुझे अगर मस्जिद में पहुंचने में लगता है और 1:15 की जमात है तो मैं 1:10 पे ही निकलूंगा घर से, 1:10 पे निकला, दौड़ते 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 मैं कयाम मुझको मिल गया पहली रकात में, लेकिन अभी मैं कहीं और था। इतनी जल्दी खुद को चेंज करना मुमकिन नहीं होता है ना, आपका दिल कहीं और लगा हुआ था, अचानक आप मस्जिद में आए, आप सोचे फौरन जो है वो स्विच हो जाए दिल दुनिया से दीनदारी की तरफ, तो नहीं होता है। खुशू के लिए बहुत फायदेमंद चीज क्या होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सुन्नतें रखी है ना नमाज से पहले, ये नमाज में खुशू पैदा करती है। आप जमात से अगर आप अजान से पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम जमात से 10 मिनट पहले पहुंचे, आप मस्जिद में पहुंच गए, तहियतुल वुज़ू आपने अदा की, और ये बहुत बेहतरीन वक्त होता है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। यानी जमात और नमाज के बीच में
नमाज और इकामत के बीच का जो वक्त होता है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। आप मस्जिद में पहुंच गए, दो रकात सुन्नत आपने अदा की, इससे क्या होता है, एक आपका दिल का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। अब आपका दिल मस्जिद में लग गया, आप वहां पे दुआएं की, सुन्नत पढ़ी आपने, एक जहन बन गया। फिर जब आप इमाम के साथ खड़े होते हैं और तकबीर से आप नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी तवज्जो नमाज की तरफ ज्यादा रहती है। ऐसे ही कोशिश करनी पड़ती है खुशू के लिए। भाई इब्न कईम रहमहुल्लाह ने गालिबन ये बात कही है कि नमाजें जो है ना वो बंदे की तरफ से दिया जाने वाला तोहफा है जो बंदा अल्लाह ताला को देता है। हम अल्लाह ताला को 5 वक्ता नमाजों का तोहफा दे रहे हैं, गरीब इंसान अल्लाह को क्या दे सकते हैं, तो नमाज का तोहफा दे रहे हैं। हमारी नमाजें भी मैंने बताया ना, हमारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती हैं। तो जब किसी चीज को हम गिफ्ट बना के देते हैं तो उसको बहुत सजाते संवारते हैं ना। नमाज की तज़ीन कैसे है, खुशू से। खुशू से नमाज को मुजय्यन किया जाता है। जब किसी को गिफ्ट देते हैं उसकी पैकिंग बहुत मुख्तलिफ होती है ना, तो नमाज की पैकिंग क्या है, वो खूबसूरत बनाना है तो क्या करेंगे आपको, खुशू। और ये खुशू सीखना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम दुनिया भर की चीजों पर मेहनत करते हैं, नमाज पर मेहनत नहीं करते, नमाज पर मेहनत करना पड़ता है। नमाज में खुशू आप कैसे सीखेंगे, भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी दुआएं और जो सूरतें आप नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जमा आपको याद होना चाहिए। नमाज में खुशू नहीं होने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम बचपन से तोतों की तरह से दुआएं हमको रटाई गई, हमने रट ली है पर उनका माना मफहूम नहीं पता है। कितने लोगों को आप बिठाएं साथ में, उनको बोले दुआ इस्तिफ्ता का तर्जमा बताओ, नहीं आता। इतनी प्यारी दुआ अल्लामा बाई बेनी वो भी ना खताया है, नहीं आता है। सो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, कितनी प्यारी जो है वो दुआ है, जिक्र अल्लाह ताला का, नहीं आता है तर्जमा। भाई जब आपको तर्जमा ही नहीं आएगा तो आपका दिल कैसे लगेगा, यानी आपकी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं पर उनका माना तो आपको पता नहीं है, तो दिल में फिर दूसरी ख्यालात आते रहेंगे ना। नमाज में खुशू पैदा हो इसके लिए बहुत जरूरी है आप नमाज समझ करके पढ़ें। कम से कम ये हो कि जो भी आप दुआएं पढ़ते हैं, जो असकार पढ़ते हैं, उनका तर्जमा आपको पता होना चाहिए। नमाज में खुशू के लिए भी बहुत जरूरी है ना कि आप कुछ ना कुछ कुरान नया याद करें। बाज मरतबा जो नमाज में खुशू नहीं होता तो उसकी वजह ये होती है ना कि हम बस नमाज शुरू करते ही नमाज को एक ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। नमाज शुरू की अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि हम कॉन्शियस में रहते हैं, फिर हमारा कॉन्शियस खत्म हो जाता है, नमाज से अलग हो जाते हैं, फिर हम ऑटो पायलट पे नमाज पढ़ते हैं। जो जबान में से सूरह फातिहा ऑटोमेटिक निकला जा रहा है, ऑटोमेटिक सूरह फातिहा के बाद जो सूरत हमको ऑटोमेटिक सूरतें जो है ना वही जबान पे आ रही है। कोई शूर के साथ सूरतों का इंतखाब नहीं करते, क्योंकि ले दे करके बहुत सारे लोग वो जो 10-15 सूरतें बचपन में याद की थी पूरी जिंदगी नमाजें उन्हीं सूरतों में गुजार देते, एक सूरत नहीं नहीं याद करते। बाकी दुनिया भर का इल्म हासिल करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डालेंगे, नावले पढ़ डालेंगे, पर पूरी जिंदगी वही 10 सूरतें जो आपा ने बाजी ने बचपन में याद करा दी थी उसी पर पूरी नमाजें हम काट देते हैं, पूरी जिंदगी की नमाजें। खुशू कैसे पैदा होगा, नई सूरतें याद करें, अस्कार जो हैं रुकू के सजदे की जो दुआएं हैं नई नई दुआएं याद करें। मतलब नई दुआओं का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी से बहुत सारी दुआएं साबित हैं, सिर्फ सुभान रब्बी अल अजीम, बहुत सारे लोग बस वही मामूल की 3 सुभान रब्बी अल अला सुभान रब्बी अल अजीम इसी पर सजदा और रुकू करते हैं। भाई अल्लाह के नबी से सजदे में सुभान रब्बी अल अला के अलावा भी बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी से साबित, दुआएं याद करें सुभानक अल्लाह व बिहमदिका, और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं अल्लाह मग़फ़िरली सुब्हु क़ुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह या हय्यु या क़य्यूम बि रहमतिका अस्तगीस, अल्लाह मलक सजदतु व बिका आमनतु व लक अस्लमतु व खशअ लक समी व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी व मस्तक़ल्लत बि क़दमी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसी बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी से सुबहान रब्बिल आला के भी अलावा अल्लाह के नबी से सजदे की बहुत सारी दुआएं साबित हैं। सुबहान रब्बिल अज़ीम के अलावा भी रुकू में बहुत सारी दुआएं साबित हैं। तो खुशू सीखने वाली चीज़ है, मेहनत करने वाली चीज़ है, हर चीज पे मेहनत कर रहे हैं, खुशू पे भी मेहनत करना पड़ता है। आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि रमजान में हमारी नमाजों का खुशू बढ़ जाता है और उसके पीछे वो जो तरावी, यानी जितना ज्यादा आप नमाज पढ़ेंगे उतना ही नमाज में खुशू आएगा। तो एक तरह से तरावी जो है ना वो एक हमारी ट्रेनिंग होती है खुशू की। नफिल पढ़ते हैं जितना ज्यादा उतना हम खुशू की ट्रेनिंग करते हैं, फिर उससे हमारी फर्ज में भी खुशू बढ़ जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो कहा ना कि फरमा बरदार होकर के खुशू के साथ कयाम करो, तो ये खुशू वहाबी चीज नहीं है। हम समझते हैं किसी को मिल गया तो मिल गया, उसकी नमाज खुशू वाली होती है, और अगर मैं खुशू वाली नहीं पढ़ता हूँ तो अब मैं खुशू वाली नहीं पढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये कस्बी चीज होती है, इसका कस्ब करना पड़ता है, इसको कमाना पड़ता है। खुशू एक सीखने वाली चीज है,
उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुशू सीख सकेंगे। और उसका जैसा कि मैंने बताया, इस पर जो है ना कोर्सेज होनी चाहिए कि नमाज की जो दुआएं कम से कम वो हम सीखें, नमाज में जो सूरतें हम मशहूर मशहूर पढ़ते हैं वो सूरतों का तर्जमा हम सीखें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया कूमू लिल्लाह कानितीन, फरमा बरदार होकर के, इताअत गुजार होकर के, खुशू के साथ अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। फइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकमाना, फिर अगर तुमको खौफ हो, फरिजालन और रुकमाना, तो यानी असल तो ये है कि खड़े होकर के एक जगह पर अल्लाह ताला की नमाज पढ़ो। पर अगर कोई खौफ हो, मसलन जो है वो कोई इस तरह की सूरत हाल है कि किसी दुश्मन ने तुम्हारा ताकुब किया हुआ है और तुम चलते चले जा रहे हो और रुकने का तुम्हारे लिए इम्कान नहीं है, या कताल की हालत में हो, जंग की हालत में हो, इस तरह को कोई मामला हो, फइन खिफ तुम, किसी भी तरह का मामला हो, चाहे वो दुश्मन का खौफ हो, चाहे वो किसी दरिंदे का खौफ हो, या कोई भी ऐसी चीज है जिसके खौफ की वजह से आदमी रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता एक जगह पे, इसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फरिजालन और रुकबाना, तो तुम क्या करो, चलते हुए नमाज पढ़ो। रिजालन ये राजिल की जमा, राजिल की जमा है, रिजिल कहते हैं पैर को, तो राजिल का मतलब होता है मयमशी अला रिजली ही, जो आदमी अपने दोनों पैरों पे चल रहा हो। आप सोचिए हम कितने छोटे छोटे उज्र पर नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ क्या फरमा रहा है कि नमाज की हिफाजत करनी है, खड़े होकर एक जगह नमाज पढ़नी है, लेकिन अगर खड़े होकर के एक जगह सुकून से नमाज पढ़ने का इम्कान नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां पे आप चल ही रहे हैं, मसलन आदमी ताखिर हो गई और आदमी जो है वो किसी लाइन में है, उसको चलना ही है, वो ठहर नहीं सकता है, फरमाया फरिजालन, चलते चलते नमाज पढ़ लो, पैरों पे चलते हुए। रुकबाना ये राकिब की जमा है, यानी कौन हुकुम राकिबीन, हल है कि तुम सवार हो, सवारी की हालत में नमाज पढ़ लो। अब उस जमाने में जो सवारियां होती थी कि आदमी घोड़े पर सवार है, या ऊंट पर सवार है, या गधे पर सवार है, खच्चर पे सवार है, तो नमाज पढ़ ले। हमारे जमाने में सवारी की दूसरी किस्में होती हैं, हम कार पे सवार हैं, या हम प्लेन पे हैं, या हम किसी कश्ती पर हैं, अगर ठहर के एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते तो वहां बैठ करके नमाज पढ़ लेनी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि फ्लाइट हमने कोई सुबह की ली हुई है और फजर का वक्त जो है वो हमारी बोर्डिंग से के बाद हो रहा है, तो आप फ्लाइट पे बैठे बैठे नमाज पढ़ेंगे। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, अगर किसी हालत में नमाज माफ होती तो जंग की हालत में माफ हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो जंगे भी जो हो रही थी वो किसी माशी नुक्ते नजर से नहीं होती थी, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जंग लड़ी जाती, पर जंग की हालत में भी अल्लाह ताला ने नमाज माफ नहीं की। चलते हुए नमाज पढ़ो, खड़े हुए नमाज पढ़ो। नमाज खौफ जो है उसका तो एक पूरा तरीका अल्लाह के नबी की हदीसों में बताया गया, एक सब जो है वो नमाज पढ़ रही है, दूसरी सब पीछे हथियार लेकर के पहरे दे रही है, फिर एक सफ की एक रकात नमाज हो गई तो दूसरी रकात में वो पीछे आ जाएगी और पीछे की जो सफ है वो आगे चली जाएगी और वो नमाज पढ़ेगी इमाम के साथ, और उसके बाद जब ये दूसरी सफ भी नमाज पढ़ लेगी तो दोनों सफ के लोग एक साथ इमाम के साथ सलाम फेरेंगे। और इसके अलावा भी कई सूरतें हैं सलाते खौफ की जो हदीसों में बयान की गई हैं, एक से ज्यादा 3-4 सूरतें बयान की गई सलाते खौफ का क्या तरीका होगा। बताने का मकसूद ये है कि सलाते खौफ इस तरह से पढ़ना है, अगर उस तरह से नहीं पढ़ रहे, अगर जमात बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, हर आदमी अकेले अकेले सवारी पे सवार होकर के या अकेले चलते हुए नमाज पढ़ ले, इतनी शदीद तरीन सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। बल्कि इब्ने उमर ने फरमाया फइनकान खौफ अशद्दु मिन ज़ालिका फसल्ली राकिबन औ क़ाइमन औ तुमी ईमान, कि अगर खौफ इतना शदीद है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते जमात से तो सवारी पर नमाज पढ़ ले, या खड़े खड़े ही नमाज पूरी पढ़ ले, कुछ नहीं है तो कम से कम इशारा कर ले, इशारे में नमाज भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना है नमाज। अब इस हमारे पास आप सोचिए कि हम जिन एक्सक्यूजेस की बिना पर अपनी नमाजें छोड़ते हैं, क्या हम नमाज छोड़ सकते हैं, यानी जब जंग की हालत में नमाज माफ नहीं है तो हम कौन सी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है जो जंग से बड़ी होती है और हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो फरमाया खड़े होकर के नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो चलते हुए नमाज पढ़ लो या सवारी पर नमाज पढ़ लो। फइज़ा अमिनतुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, और जब अमन में आ जाओ तो जो अल्लाह ताला ने जैसा तुमको सिखाया वैसे अल्लाह का जिक्र करो। मालम तकुनू तालमुन, जैसा कि तुम इससे पहले नहीं जानते थे, यानी जो असल नमाज की सूरत हाल है वो वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई है, अपने नबी के जरिए से सिखाई है। इसलिए नमाज कैसे भी पढ़ लेना काफी नहीं है, नमाज अल्लाह ताला क्या उस वक्त काबिल कबूल होगी जब आप नमाज वैसी पढ़ें जैसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है।
सल्लू कमा रई तुमुनी युसल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है। सल्लू कमा रई तुमुसल्ली, जैसी तुमने मुझको देखा है नमाज पढ़ते हुए वैसी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने यहाँ भी फरमाया फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, वैसी नमाज पढ़ो जैसा अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है। तो अल्लाह ताला ने कहाँ से हमको सिखाया है? हमने अल्लाह ताला ने हमको नबी के जरिए से सिखाया कि हमको नमाज कैसे पढ़नी। तो इसकी हमारे दीन में बहुत अहमियत है कि हम नमाज वैसी पढ़ें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। बहुत सारे लोग नमाज के जो फिकही मसाइल होते हैं उन पे तवज्जो नहीं देते, बोले कोई नहीं जैसा मर्जी में आए पढ़ लो, कहीं पर भी हाथ बांध रहे हैं, कभी रफ देन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिमट करके खासतौर पे खवातीन सजदा कर रही हैं, उन्होंने नमाज के अपने नए नए तरीके ईजाद किए हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, वैसे नमाज पढ़ो जैसा अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है। और कैसा सिखाया है? जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ेंगे तभी हमारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, इसलिए नमाज भी सीखने वाली चीज है। बाज लोग इसमें भी बहुत कोताही करते हैं कि जैसी नमाज कहीं बचपन में पढ़ ली थी वैसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक एक मसले को दलील के साथ सीखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा के बहुत सारे बयान आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें प्रैक्टिकली नमाज के ना सिर्फ तरीके बताए गए होते हैं बल्कि उसकी दलीलें भी दी गई होती हैं। और जब बंदा दलीलों की बुनियाद पर नमाज पढ़ता है ना, तो उसका फायदा क्या होता है? उसको नमाज में अल्लाह के नबी की सुन्नत की इतबा की तौफीक मिलती है, उसको दलीलें याद रहती है, अल्लाह के नबी सब के याद रहते हैं कि ये मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह के इनके तरीके पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे रफ देन करना है, यहाँ पे आमीन करना है, तशहुद में कैसे बैठना है, तबर्रुक कैसे करना है, सजदे की क्या कैफियत होनी चाहिए, रुकू कैसे पढ़ना है, क़याम कैसे करना है, रफ लेदेन कैसे होना चाहिए। ये भाई आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको नमाज की एक एक कैफियत बता दी है। बस दुनिया भर के मसलों में गुफ्तगू करेंगे और नमाज के मसाइल पर गुफ्तगू की जाए तो उनको लगता है कि ये फिरका बंदी है, रफलेन पे बात की जाए तो उनको फिरका परस्ती लगती है, आमीन बिल जहर पे बात की जाए तो उनको फिरका परस्ती लगती है। अगर ये चीजें फिरका परस्ती होती तो ये हमको सिखाई की हुई होती। सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लम बाकायदा नमाज पढ़ करके सहाबा को सिखाते थे नमाज ऐसी पढ़नी है, और सहाबा ने बाकायदा नमाज पढ़ करके ताबईन को सिखाई की नमाज ऐसी, अल्लाह के नबी ऐसी नमाज पढ़ करके। आपको कितनी रिवायतें सहाबा मिलेंगी कि साहबी कहते हैं अपने शागिर्दों से कि क्या मैं तुमको वैसी नमाज नहीं पढ़ाऊं जैसे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे, और सहाबा के सामने प्रैक्टिकली नमाज पढ़ करके दिखाई कि अल्लाह के नबी ऐसी नमाज पढ़ते थे। और सहाबा का ये शौक होता था कि वो अल्लाह के नबी की तरह नमाज पढ़ें और अपने शागिर्दों को वैसी नमाज पढ़ करके दिखाएं जैसे अल्लाह के नबी सहाबा पढ़ते थे। इसलिए नमाजों को सीखना जरूरी है, एक एक अमल सीखना जरूरी है। हाथ हमारा कैसे होने चाहिए, पैर हमारे कहाँ होने चाहिए, निगाहें हमारी कहाँ होनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां होती है नमाज में। कितनी औरतों को देखता हूँ मैं नमाज पढ़ती है, मेरे अपने घर में रिश्तेदारों में बाज मरतबा आंख बंद करके नमाज पढ़ रही है। हाँ, आपको पता नहीं नमाज में कहाँ देखना है, आंख बंद करके नमाज पढ़ रही है। बेशतर औरतों का मामला तो ये होता है ना कि बगैर किसी उज्र के बैठ के नमाज पढ़े। अल्लाह क्या फरमा, फैदा अमीन तुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, जब तुम अमन की हालत में रहो तो जैसा अल्लाह ने सिखाया वैसी नमाज पढ़नी। और अल्लाह ने क्या सिखाया है, क़याम करना है आपको, सूरह फातिहा पूरा क़याम करना है, फिर उसके बाद रुकू करना है, सजदा करना है। हर जमाने में औरतों का ये उज्र रहा है। मैं तो समझता था हमारे जमाने का मसला है, इमाम इब्न जौज़ी ने तलबीस इब्लीस में लिखा है कि उनके जमाने में भी औरतें दुनिया भर का काम करेंगी, शॉपिंग सेंटर में घूमेंगी, मॉल्स में घूमेंगी, दो दो चार चार घंटा लगा देंगी, तब उनके पैरों में दर्द नहीं होता है, और जैसे ही नमाज का वक्त आता है बैठ के नमाज पढ़ रही, पूरी दुनिया घूम लेंगी पैदल, सारा काम कर लेंगी, नमाज के उनके पैर में दर्द शुरू हो जाता है। अमन की हालत में बैठ करके नमाज फर्ज नमाज पढ़ना जायज नहीं है। कोई परेशानी है तो इंसान बैठ के नमाज पढ़े। ये भी एक बड़ा मसला है कि कुर्सी पे बैठ करके नमाज पढ़ना उस वक्त जायज है जब आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि असल अल्लाह ने बैठ करके भी नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो हमको सिखा दिया है। तो आपको बैठ के भी नमाज पढ़ना है तो अल्लाह के नबी के तरीके में बैठ के नमाज पढ़ना है। हाँ, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि जमीन पे नहीं बैठना है, कुर्सी पे ही बैठना है, पैर नहीं समेटने, तो अलग बात है। वरना असल ये है कि इंसान को बैठ करके नमाज भी पढ़नी है तो बैठ करके वैसे नमाज पढ़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने हमको बैठ करके नमाज पढ़ना सिखाया। अगर मजबूरी है जमीन पर बैठने से, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें जमीन पर बैठने से डॉक्टर ने मना किया होता है, तो उनके लिए अलग बात है। तो जब अमन की हालत होती है, यानी आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का खौफ नहीं है, तो नमाज आपको कैसी पढ़नी है, जैसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है उस तरीके पर नमाज पढ़नी है। नमाज अल्लाह के यहाँ पे सिर्फ खुलूस से कबूल नहीं होती है,
किसी भी नेकी के अल्लाह के यहाँ पे कबूल होने के लिए इखलास नीयत के साथ साथ इत्तिबाए सुन्नत भी जरूरी है। अगर नबी के बताए हुए तरीके पे नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। फइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकमाना, फिर अगर तुमको खौफ हो तो चलते हुए नमाज पढ़ो, रिजालन या रुकमाना सवारी पे नमाज पढ़ो, फिर अगर तुम मामून हो जाओ तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जैसा अल्लाह ने सिखाया है। मालम तकुनु तालमुन, जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। वल्लदीना यतवफ्फौना मिनकुम, और तुम में से जिन औरतों के, फिर अब देखिए नमाज का जिक्र खत्म होने के बाद दोबारा जो है वो वफात शुदा जिनकी जो औरतें बेवा हो गई हैं उनका जिक्र शुरू हो गया। फरमाया वल्लदीना यतवफ्फौना मिनकुम अज़वाजन अज़वाजन वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि ग़ैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अन्फुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कि तुम में से जो लोग फौत हो जाए और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ करके जा रहे हैं, यानी उनकी औरतें बेवा हो गई और वो फौत हो गए, तो वो क्या करें, अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर दें एक साल तक के लिए कि एक साल तक उनका खर्चा उनको दिया जाए, कई इखराज और उनको घरों से ना निकाला जाए। फइन खरजना फला जुना अलैकुम फीमा फअलना फी अन्फुसिहिन्ना मिन मारूफ, फिर भी अगर वो निकल जाए तो उन पर कोई एतराज नहीं है, जो भी वो अपने लिए सही काम करें, अगर अपने घर से बाहर निकल जाए कोई मारूफ काम कर रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ नहीं है तो उन पर कोई एतराज नहीं है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ग़ालिब हिकमत वाला है। इस आयत में बताया गया है कि बेवा औरतों को हुक्म दिया गया कि वो एक साल तक के अगर अपने शौहर के घर में रहना चाहें तो रह सकती हैं, और एक साल तक के उनका खर्चा और नफ़े का इंतजाम ये शौहर के जिम्मे है कि शौहर वसीयत करके जाए कि मेरे माल में विरासत के अलावा इस औरत को एक साल का खर्चा दिया जाए। अब इस आयत के बारे में इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये आयत मनसूख है। कौन सी आयत है, यानी इसमें क्या दो हुक्म पता चले कि बेवा औरत एक साल तक शौहर के घर में रहेगी, उसको निकाला नहीं जाएगा और उसके माल में से एक साल का खर्चा जो है अलग से निकाल करके इस औरत को दिया जाएगा। कई एक उलमा से ये बात मरवी है, मुफस्सरीन से ये बात मरवी है कि आयत जो है मनसूख है। किस आयत से मनसूख है, इससे पहले जो आयत गुजरी गालिबन 234 थी जिसमें ये बताया गया था कि औरत की इद्दत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए वो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारेंगी। तो बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ पे एक साल की बात कही गई कि एक साल तक उनको घर से नहीं निकालना है, और उस आयत में कहा गया कि 4 महीना 10 दिन तक नहीं निकालना है। तो इसकी बुनियाद पर बाज़ उलमा ने ये कहा कि ये आयत उस आयत से मनसूख है, इद्दत वाली आयत से, कि पहले जो हुक्म था वो ये था कि एक साल तक की औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, बाद में हुक्म मनसूख कर दिया गया और इसको 4 महीना 10 दिन में कन्वर्ट किया गया। और दूसरा जो इसके अंदर हुक्म है कि एक साल के लिए वसीयत किया जाएगा कि एक साल तक के उसको माल दिया जाए ताकि उसका खर्चा पूरा हो। तो उलमा ने कहा कि ये जो आयत मीरास है जिसमें औरत की विरासत का हक तय कर दिया गया, उस आयत मीरास से भी आयत मनसूख है। इसमें जो वसीयत का हुक्म है वो उस आयत से, आयत मीरास से मनसूख है, यानी इसमें जो घर से निकलने की मुमानियत है ये इद्दत वाली आयत से मनसूख है 4 महीना 10 दिन वाली से, और इसमें जो माल देने का हुक्म है विरासत वाली आयत से मनसूख है कि जब विरासत में उसका हिस्सा रख दिया गया तो फिर उसको अलग से माल नहीं दिया जाएगा। तो उलमा में से एक तबका जो है वो इस आयत को मनसूख मानता है, दूसरा जो उलमा का तबका है वो कहता है ये आयत मनसूख नहीं है क्योंकि इस आयत में और इसके अलावा जो दोनों आयतें हैं उनमें कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं। कहते हैं कि मनसूख उस वक्त होगा जब दोनों में जमाना किया जा सके। तो कह रहे हैं कि वो जो 4 महीना 10 दिन की बात है वो तो पूरी उसकी इद्दत है और इद्दत के सारे अहकाम उस पर लागू होंगे, यानी वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी गैर जरूरी तौर पर और वो सारे जेबो जीनत तर्क करके रखेगी, तो वो उसके 4 महीना 10 दिन इद्दत के हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो एक साल तक अपने शौहर के घर में रहना चाहती है तो उसको नहीं निकाला जाएगा। कह रहे हैं कि ये हुक्म उस हुक्म से क्योंकि टकरा नहीं रहा तो हम इसको बजाय मनसूख कहने के हम ये कहेंगे कि दोनों पर अमल होगा, कि अगर वो 4 महीना 10 दिन तो गैर साहिर सी बात है वो इद्दत गुजारेगी और उसके अलावा वो एक साल तक अगर घर में रहना चाह रही है तो क्योंकि मजबूर हो गई बेसहारा हुई तो एक साल तक उसको घर में रहने दिया जाए, घर वालों को इजाजत नहीं कि उसको घर से निकाला जाए। और ऐसे ही वो विरासत का हुक्म अलग है, विरासत में तो उसको माल दिया जाएगा, बाकी वो क्योंकि जैसे बीवी थी तो उसको खर्चा मिल रहा था तो उसके माल में से एक साल का खर्चा अलग से दिया जाएगा। तो कुछ उलमा ने ये कहा है कि आयत मनसूख है, कुछ उलमा ने कहा है मनसूख नहीं है। इब्ने तैमिया इब्ने कय्यिम वगैरह इसी तरफ गए कि आयत मनसूख नहीं है बल्कि मुहकम है, और मेरा भी ज्यादा रुझान इसी तरफ है कि आयत मनसूख नहीं है बल्कि मुहकम है। इब्ने कसीर भी इसी तरफ गए हैं, शेख सादी भी इसी तरफ गए, शेख इब्ने उसैमीन की भी ये राय है कि 4 महीना 10 दिन तो वो इद्दत करेगी, 4 महीना 10 दिन के बाद जो है वो भी अगर रहना चाह रही है अपने घर में
तो उसको घर से निकाला ना जाए, एक में एक साल की उसको मोहलत दी जाए। और इसी तरह से उसको जो विरासत में हिस्सा मिला वो अपनी जगह पर, लेकिन उसको एक साल का खर्चा जो है वो देना चाहिए, और शौहर को ये उसके लिए वसीयत कर देनी चाहिए। बहरहाल दोनों में से दोनों बातें हो सकती हैं, ज्यादा रुझान हमारा इसी तरफ ही किया है, मनसूख नहीं, जैसा कि इमाम तैमिया वगैरह ने ये बात कही है। वलील मुतल्लकाती मताउन बिल मारूफ हक्कन लिल मुत्तकीन, और जो मुतल्लका औरतें हैं उनको भी कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, हक्कन अलल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों पर हक है। यानी मुतल्लका औरतें, मैंने बताया था कि पिछली जो आयत थी उसमें ऐसी मुतल्लका औरत जिसका पहले से महर भी नहीं तय था और बगैर विदाई के उसका तलाक हो गया, उसके बारे में तो लाजिम है कि उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, बाकी दूसरी मुतल्लका औरतों को भी तलाक देते हुए कुछ ना कुछ दे देना चाहिए शौहर। भाई देखिए, तलाकशुदा औरत को एक तो नफका मिलता है हालत इद्दत में, यानी जैसे तलाक रजी हुई है तो 3 महीने की जो उसकी इद्दत है उसमें तो उसको वो, क्योंकि अपने शोहर की बीवी है अभी निकाह में उसके, तो उसमें तो उसको नफका वो अदा करना ये शोहर के जिम्मे है। पर उसके बाद भी क्या होगा कि औरत को तलाक के बाद जुदाई होते हुए कुछ ना कुछ तोहफा दे दिया जाए, कोई कपड़ा दे दिया जाए, कुछ उसको पैसे दे दिए जाए, या कोई और तोहफा। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे उस आयत के अंदर कि जो पैसे वाला है वो अपने हैसियत के हिसाब से दे, गरीब अपनी हैसियत के हिसाब से दे, यानी एक विदाई होते हुए भी एक अच्छे से जो है जुदाई हो, जुदाई में भी ज्यादा तोड़फोड़ ना हो, एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे, एक एहतराम के तौर पे कुछ ना कुछ तोहफा उसको दे दिया जाए, हक्कन लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों पर हक है। इससे उलमा ने कहा कि वाजिब है, क्योंकि तकवा इख्तियार करना वाजिब है, तो जो चीज तकवा वालों पर वाजिब है वो वाजिब है। बाज़ उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब तकवा होता है तो बंदे को बहुत ज्यादा उसको देना बताना नहीं पड़ता, उसका तकवा उसको समझाता है कि अगर तकवा है तो ये करेगा बंदा। बाज़ उलमा ने कहा है कि मुतल्लका औरत अगर उसका महर तय नहीं था तब तो उसको देना वाजिब है अगर विदाई से पहले हो गया, और दूसरी औरतों के लिए देना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्ताहब है। ये दूसरी मुतल्लका औरतों को जो दिया गया है वो बतौर वाजिब नहीं दिया गया बल्कि बतौर इस्तेबाब दिया गया। तो औरत को तलाक देते हुए उसका महर तो देना पड़ेगा, वो तो उसका हक है, और रजई तलाक में जो इद्दत है इद्दत में भी उसका खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसका हक है, पर महर और नफका के अलावा भी कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहिए। एक साइन है, एक तरह की अलामत है कि हम भाई अच्छे से अलग हो रहे हैं, तो अगर अच्छे से साथ में नहीं रह सकते हैं तो अलग भी अच्छे से होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहिए, एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती ही लअल्लकुम तअक़िलून, अल्लाह ऐसे ही अपनी आयतें तुम्हारे लिए वाजे कर देता है ताकि तुम समझो और फिक्र करो। अल्लाह ने अपनी आयतें वाजे कर दी हैं, पूरा कुरान वाजे है, कहीं पे कोई इश्काल नहीं है। कुछ आयतें मुतशाबिहात में से होती हैं, वो अहले इल्म को उनका माना पता होता है, पर कुरान की कोई आयत भी जो है वो मुगलक नहीं है कि उसका माना ही पता ना हो। ये आयत जो हमारे अकीदे के उलमा है वो बार बार ये दलील के तौर पे बयान करते हैं कि वो आयतें जिनमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई हैं उनका भी एक माना है, वो भी मुबीन है, वाजे हैं। क्योंकि बहुत सारे गुमराह जो अकीदे के लोग हैं अल्लाह ताला की सिफात के बारे में, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की सिफतों से मुतालिक जो आयतें आई हैं उनका माना हमको नहीं पता, मसलन अल्लाह ताला का हाथ है तो कहते हैं हाथ का माना हमको नहीं पता। तो भाई अल्लाह ने फरमाया कि हमने तो वाजे कर दिया थे ताकि तुम गौर करो, और ये जो अल्लाह ताला की सिफात का इनकार करने वाले गुमराह तबके हैं वो कहते हैं ये आयतें वाजे ही नहीं है। यानी जो सबसे कुरान का सबसे अहम तरीन हिस्सा है जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला की सिफात से है, वो कहते हैं ये माना इनके वाजे नहीं है। तो बाज मरतबा वाजे नहीं होने की बुनियाद पर इनकार कर देते हैं मानी का, बाज मरतबा तावील करते हैं, और उनके पास दलील ही होती है कि इनका अगर हकीकी माना मुराद ले लिया जाए तो अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी लाजिम आएगी। तो वे कहते हैं कि आयतें मुतशाबे हैं, इनका माना पता नहीं है, हालांकि ये बात गलत है। अल्लाह तआला ने पूरी आयतें वजाहत के साथ बयान कर दी हैं, अल्लाह तआला ने उनको अक्ल दी है ताकि इन आयतों में गौर फिक्र करें। इन्हीं बातों पर आज के दर्स का हम इख्तिताम करते हैं। अब इसके बाद से ये तलाक और निकाह की जो बहस शुरू हुई थी वो इस आयत पे आकर के खत्म हो गई है। अब दूसरे इंशाल्लाह तआला मौजूआत हैं जो आगे की आयतों में आएंगे। ये आज के लिए इतना काफी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।